2007 में अचानक लोगों की खुशी घटना शुरू हो गई और अकेलापन बढ़ना शुरू हो गया। ऐसा क्या हुआ था 2007 में? स्टीव जॉब्स को एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि उनके बच्चों को आईपैड कैसा लगता है, और स्टीव जॉब्स ने बताया कि वो अपने बच्चों को आईपैड यूज नहीं करने देते। बिल गेट्स ने भी एक इंटरव्यू में बताया कि 14-15 साल की एज तक वो अपने बच्चों को फोन से दूर रखते हैं। ऐसा क्या है जो इनको पता है और हमें नहीं? आज की इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप अपने फोन को छोड़ दो या फोन बुरा है या फिर डंप फोन पे शिफ्ट कर जाओ। आज की इस वीडियो का पर्पस है कि जो चीज आपके पास हमेशा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसके बारे में ऐसी चीजें जान पाओ जो आपको नहीं पता और आप इस फोन के साथ अपना रिलेशन इंप्रूव कर पाओ। 3 पार्ट्स हैं इस वीडियो के। पहला, कैसे ये फोन आपके ब्रेन को हैक करता है। दूसरा, कैसे ये आपको इंपैक्ट करता है, आपके ब्रेन को बदलता है। और तीसरा, कैसे इस फोन के साथ आप अपना रिलेशन इंप्रूव कर सकते हो। हमारे ब्रेन को हैक करने की जो गेम शुरू होती है ना, वो प्लेजर एक्टिवेशन से होती है। हम हर वो चीज करनी चाहते हैं जो हमें खुशी देती है, प्लेजर देती है। और जब भी हमें खुशी मिलती है, हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है, डोपामाइन। और ये सिर्फ तब रिलीज नहीं होता जब हम कुछ करते हैं जो हमें पसंद है, ये तब भी रिलीज होता है जब हम उसके बारे में सोचते हैं। अपने फेवरेट खाना खाने पे डोपामाइन रिलीज होता है, लेकिन उसके बारे में सोचने में भी हमें अच्छा लगता है, मतलब डोपामाइन रिलीज होता है। सेक्स, ट्रेवल, शॉपिंग, गेम्स, ऐसी हर चीज में इसको करने में भी खुशी होती है और इसके बारे में सोचने में भी खुशी होती है। पर प्लेजर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है प्लेजर लूप। मैं आपको समझाता हूं प्लेजर लूप क्या होता है। आपने कोई चीज करी, आपको खुशी मिली, आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज हुआ। कुछ देर बाद डोपामाइन का लेवल नॉर्मल हुआ। जैसे वो नॉर्मल होता है, ब्रेन को दोबारा से डोपामाइन का रश चाहिए। जब उसको रश चाहिए तो वो उस चीज के लिए क्रेव करता है और आपको क्रेविंग होती है, आप दोबारा वो चीज करना चाहते हो, आप फिर से करते हो, आपको प्लेजर मिलता है, डोपामाइन रिलीज होता है, वो वापस नॉर्मल होता है और ये साइकिल चलता रहता है। तो अगर आप हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना फोन पकड़ लेते हो तो आप प्लेजर लूप में हो। अगर हल्का सा बोर होते ही आपके हाथ में फोन आ जाता है तो आप प्लेजर लूप में हो। अगर मन उदास होते ही पॉकेट में से फोन बाहर आ जाता है तो आप प्लेजर लूप में हो। अब हम प्लेजर लूप में जाते कैसे हैं? देखो, एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ हर ऐप के पीछे ऐसे हजारों इंजीनियर्स हैं जिनकी यह कोशिश है कि आपको वो प्लेजर लूप में रखे ताकि आप मैक्सिमम टाइम इन ऐप्स को दो। 3 मेन तरीके हैं इन इंजीनियर्स के पास आपको प्लेजर लूप में डालने के। सबसे पहला है नॉवल्टी। देखो, कोई भी रिलेशन जब शुरू होता है कितना अच्छा लगता है ना, एकदम तारे चांद सब नजर आते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। नई गाड़ी, नया घर, नया शहर, इन चीजों का क्रेज होता है, कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाता है। मतलब ह्यूमंस को, हम लोगों को नयापन पसंद है, फ्रेशनेस पसंद है, और इन एप्स की यही कोशिश होती है कि ये फ्रेशनेस आपको बार बार हर मोमेंट पे देते रहे ताकि आप हुक्ड रहो, आप इनसे चिपके रहो। नई फीड, नए मैसेजेस, नई नई चीजें, नए नए फीचर्स, जब भी फोन खोला कुछ नया मिल रहा है, नई इंफॉर्मेशन, नया कंटेंट, नई फीड मिल रही है, तो आपका वो रिलेशन, आपका वो अफेयर हमेशा अलाइव रहता है और आप प्लेजर लूप के अंदर जाते जाते हो। दूसरा तरीका है एंग्जाइटी। देखो, जब भूख लगती है, घबराहट होती है, हम उसको सॉल्व करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, स्ट्रेस होता है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ठीक होते जाते हैं। ये ह्यूमंस की नेचर है कि हमें अपने हर स्ट्रेस को, हर एंग्जाइटी को सॉल्व करना है। छोटे छोटे तरीके यूज करके ये छोटे छोटे स्ट्रेस बनाते हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। नोटिफिकेशन आई, क्या होगा? टिंग की साउंड आई, फोन चेक करना है। मैसेज का रिप्लाई आया, क्या रिप्लाई होगा? दुनिया में क्या चल रहा है, कहीं मेरे से मिस ना हो जाए, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे स्ट्रेस क्रिएट होते हैं, हम उनको सॉल्व करने के लिए फोन खोलते हैं और अपने स्ट्रेस को सॉल्व करते हुए हम प्लेजर लूप में चले जाते हैं, हम उस हैबिट में चले जाते हैं बार बार फोन देखने की। तीसरा तरीका, एक्नॉलेजमेंट। बचपन में जब हमने पहली बार मम्मी या पापा बोला, क्या हुआ? ताली बजी, अरे वाह। जब हमने चलना शुरू किया, सबने शाबाशी दी। जब एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, सबने तारीफ करी, हमें एक्नॉलेजमेंट अच्छी लगती है। सोशल मीडिया हर तरीके से इंश्योर करता है कि हमारी वो एक्नॉलेजमेंट वाली चुल को सॉल्व किया जाए। लाइक्स, कमेंट्स, रिप्लाइज, किसने हमारी पोस्ट देखी, किसने हमारी स्टोरी देखी, इस एक्नॉलेजमेंट को देख देख के हमें खुशी मिलती है और हम प्लेजर लूप में जाते जाते हैं, बार बार चेक करने की आदत में आ जाते हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि जो चीज हमेशा हमारे साथ रहती है वो कैसे हमारे ब्रेन को, हमारी लाइफ को इंपैक्ट कर रही है। अब देखो, 2 तरह की मेमोरीज होती है हमारी। एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी और एक होती है वर्किंग मेमोरी। जो भी चीजें हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है वो हमारे वर्किंग मेमोरी के थ्रू जाती है।
हर रोज ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो आप याद नहीं रखते, सिर्फ वर्किंग मेमोरी में रहती हैं। जैसे कि कल की कुछ चीजें, लास्ट वीक की कुछ चीजें जो आपको याद नहीं होंगी, और जो चीजें हम रिपीटेडली वर्किंग मेमोरी में लेके जाते हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रास्ते, कोई नंबर्स, कोई रिलेटिव्स, इस तरह की चीजें। और जिन चीजों का हैवी इंपैक्ट होता है हमारी लाइफ में वो वर्किंग मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाती है। बर्थ, डेथ, एक्सीडेंट, शादी, ऐसी मोमेंट्स। अब वर्किंग मेमोरी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कितनी पावर है उसकी, लेकिन वो एक मेमोरी, और हर मेमोरी की एक लिमिट होती है। हम उसकी लिमिट को एग्जॉस्ट करते हैं, ओवर यूज करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आपने फोन पकड़ा, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम निकाला, इंस्टाग्राम की फीड में हर कुछ सेकंड्स में आपका ब्रेन अलग अलग इमोशंस एक्सपीरियंस करता है। सोच के देखो, अचानक कोई चीज आई जिसने आपको खुशी दी, अगली चीज आपने कोई ऐसी देखी आपको जेलसी, उसके बाद कोई देश की ऐसी न्यूज देखी आपको गुस्सा आया, आगे आपके क्रश की फोटो आई, आपकी अलग लेवल की फीलिंग होगी। कुछ ही सेकंड्स में कितना एग्जॉस्ट करते हैं वर्किंग मेमोरी को। सामने वेब सीरीज देख रहे हैं, साथ साथ फोन पे है, कोई बात सुन रहे हैं, साथ साथ फोन पे है, कुछ कर रहे हैं गाड़ी में बैठे, साथ साथ फोन पे है। अपनी वर्किंग मेमोरी को हर वक्त काम पे लगाया हुआ है। इस तरह के प्लेजर लूप्स के साथ हम अपनी वर्किंग मेमोरी को एग्जॉस्ट करते जा रहे हैं। इस सबसे क्या होता है, आपको मेंटल फटीग होती है। इसीलिए आज की डेट में लोग आलस ज्यादा करते हैं, जल्दी थकते हैं, अकेलापन ज्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर, फोकस की पावर, अटेंशन की पावर घटती जा रही है, जिसका इफेक्ट हमारे काम पे, हमारे करियर पे, हमारी लाइफ में, हमारे रिलेशंस में होता है। इसीलिए 2007 के बाद खुशी घटनी शुरू होगी, अकेलापन बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि 2007 में क्या हुआ, 2007 में स्मार्टफोन लॉन्च हुआ। यह है इस फोन की डार्क साइड, लेकिन अगर इस फोन के साथ हम अपना रिलेशन सुधार लें तो यह इतना पावरफुल है कि इससे हम बहुत फायदा ले सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप अपने फोन के साथ एक बहुत ही प्यारा रिलेशन रख सकते हैं। आप जिस चीज को मेजर नहीं कर सकते उसको मैनेज नहीं कर सकते। हर फोन में ये फीचर होता है देखने का कि आपका कितना टाइम फोन में जाता है और कहां कहां जाता है। सिर्फ इतना सा चेक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देगा। आप अपना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने बैठे लेकिन बार बार दरवाजे पे बेल हो रही है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो क्या आप अपने काम को फोकस और कंसेंट्रेशन के साथ कर पाओगे? थैंक यू। यही नुकसान आपके फोन की नोटिफिकेशंस आपका करती हैं। इसलिए जो नोटिफिकेशंस आपके लिए जरूरी है उनको ऑन रखो, बाकी सारी नोटिफिकेशंस को बंद कर दो। आपने ये नोटिस किया कि आपके फोन की बहुत सारी एप्स का कलर ब्लू होता है, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, जूम, एमएक्स प्लेयर, क्योंकि ब्लू कलर आपके ब्रेन को एक्टिव रखता है। तो अगर आपका फोन बार बार आपका सेड्यूस करता है तो आप अपने फोन का हुस्न बिगाड़ सकते हो, आप ग्रे स्केल मोड एक्टिवेट कर सकते हो। अरे इस वीडियो में ग्रे नहीं करना यार, हुक्ड रखना हमें। डिस्ट्रैक्शंस की वजह से किसी काम को करने में आपका सिर्फ टाइम ही ज्यादा नहीं लगता, आपका आउटपुट भी खराब होता है। इसलिए हमारे फोन में ऑप्शन है फोकस मोड या डीएनडी मोड। जब भी काम करने बैठो इस मोड को यूज करो। हम बहुत बार ना बिना मतलब के अपना फोन पकड़ते हैं और खो जाते हैं, तो क्यों ना फोन की होम स्क्रीन पे ही कोई ऐसा वॉलपेपर लगा दे जिसमें कुछ ऐसा लिखा हो कि हमें रिमाइंडर मिल जाए कि हमें फोन छोड़ना है। जैसे बिना काम के फोन मत पकड़, या फिर इज्जत से फोन रख दे, कोई भी ऐसा वॉलपेपर। मैं अपनी टीम को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ऐसे वॉलपेपर्स बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें सो दैट आप उनको यूज कर पाओ। ऑफर ऑफर ऑफर, बहुत ही बढ़िया ऑफर। अगर मैं आपको बोलूं कि 150 रुपए देकर बदले में आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, आप ऑफर लोगे? ले लोगे। बहुत से लोगों की आदत होती है कि रात को सोने वक्त फोन को पास रख के सोते हैं क्योंकि उसमें अलार्म लगाया होता है, इसलिए फोन पे लगे लगे सोते हैं और उठते ही फोन पे लग जाते हैं और अपनी वर्किंग मेमोरी की वाट लगाते हैं। 150 रुपए की घड़ी आती है, फोन को रखो दूर और इस घड़ी को रखो सोने वक्त अपने पास। इससे आपकी करोड़ों रुपए की खुशियां, फोकस, कंसेंट्रेशन, हैप्पीनेस, रिलेशंस, काम, करियर, हर चीज बच जाएगी। जैसे जैसे अंधेरा होता है हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है मेलाटोनिन, जो कुदरत का एक तरीका है हमारी बॉडी को प्रिपेयर करने का कि अब सोने का टाइम है, अब रिलैक्स करने का टाइम है। और जब दिन चढ़ता है तो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और हम उठना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मोबाइल फोन की जो लाइट्स हैं, स्क्रीन की जो लाइट है, स्पेशली ब्लू लाइट, ये हमारे दिमाग को झांसा देते हैं कि अभी तो दिन है, अभी तो तुझे एक्टिव रहना है। और यही रीजन है कि मोबाइल फोन आने के बाद बहुत सारे लोग रात को लेट तक जागना शुरू हो गए। अब इस वजह से हमारी नींद पूरी नहीं होती, और नींद पूरी नहीं होती तो हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारे शुगर लेवल्स, हमारी डाइजेशन, हमारी कंसंट्रेशन, हमारी माइंड पावर, हर चीज अफेक्ट होती है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जितने भी बजे आपको सोना है उससे कुछ टाइम पहले
फोन को यूज करना बंद कर दो। आप भी मेरी तरह रूल बना सकते हो, नो फबिंग। फबिंग क्या होता है? जब एक जना बोल रहा है और दूसरा फोन पे लगा है, फोन प्लस स्नबिंग। अब यहां पे आपका सवाल होगा कि अगर उसने फोन निकाल लिया तो मैं खाली क्यों बैठूं, मैं भी फोन पकड़ लेता हूं। ऐसे में फोन ना पकड़ने के दो फायदे होंगे। एक, आप उसका गुलाब जामुन खा सकते हो, उसको पता भी नहीं चलेगा। और दूसरा, ये मौका है आपके पास रिलैक्स करने का, चीजों को ऑब्जर्व करने का, मतलब अपनी वर्किंग मेमोरी को और एग्जॉस्ट करने की जगह उसको और स्ट्रॉन्ग करने का। मैं और मेरी टीम ने बहुत टाइम इस वीडियो की रिसर्च में लगाया और इस दौरान मैंने भी कई फोन हैबिट्स अपनी इंप्रूव करी। एक चीज जो मेरे बहुत काम आई वो है फोन मेडिटेशन। फोन मेडिटेशन क्या है कि जब भी फोन की तरफ हाथ जा रहा है, फोन पकड़ने का मन कर रहा है, यार फोन देखते हैं, उस वक्त एक बार के लिए पॉज करके सोचो क्या चल रहा है माइंड में, क्यों जरूरी है, क्रेविंग हो रही है कि कुछ काम है, कोई इंपॉर्टेंट चीज के लिए फोन पकड़ रहा हूं कि ऐसे ही पकड़ रहा हूं, क्या ये सिर्फ एक प्लेजर लूप है, क्या मैं किसी इंजीनियर की किसी स्ट्रेटजी का शिकार हो रहा हूं कि सच में मुझे फोन में काम है। सिर्फ इतना सा सवाल पूछना, खुद को कुछ पल के लिए रोकना आपको बहुत क्लैरिटी देगा। बहुत सिंपल है कि अगर सोच समझ के फोन पकड़ा जाता है तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर बिना सोचे फोन पकड़ा जाता है तो ये नुकसान करता है। फोन मेडिटेशन आपको माइंडलेस फोन यूजर से माइंडफुल फोन यूजर बनाएगी। किसी शादी में या पार्टी में जब वैरायटी बहुत ज्यादा होती है ना, तो जरूरत से ज्यादा खाया जाता है। इसी तरह से हमारे फोन की होम स्क्रीन पे जब बहुत सारी एप्स होती है ना, तो हम जरूरत से ज्यादा फोन यूज करते हैं। इसलिए जितना हो सके अपने फोन की होम स्क्रीन को क्लीन रखो, ऑर्गेनाइज रखो। कभी ये सोचा है कि ये मोबाइल फोन प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इनका नुकसान क्यों नहीं करता, ये क्यों बहुत कुछ कर पाते हैं? उसका एक सिंपल सा रीजन है कि इनके पास हर चीज का स्केड्यूल होता है। इनको पता होता है कब क्या करना है, कौन सी चीज जरूरी है, कब मेरा एंजॉयमेंट का टाइम है, कब मेरा सोशल मीडिया का टाइम है, कब मेरा काम का टाइम है, और वो स्केड्यूल को फॉलो करते जाते हैं। इस स्केड्यूल की वजह से वो हर रोज ग्रो भी कर पाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाते हैं। अगर आपके पास भी आपका स्केड्यूल होगा कि अगले दिन मुझे कब कब क्या करना है और कब मेरे फोन का टाइम है, कब मेरे एंजॉयमेंट का टाइम है, तो आप अपनी लाइफ जी भी पाओगे और हर दिन ग्रो भी कर पाओगे। हमें फोन छोड़ना नहीं है और हम फोन छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन हमारे घर में कोई एक एरिया होना चाहिए जो नो फोन जोन हो, मतलब ऐसा एरिया जहां पे हम फोन को नहीं लेके जाएंगे, जहां पे आप खुद के साथ टाइम बिता सकते हो, अपने से बात कर सकते हो। या आपके घर का कोई कोना हो सकता है, कोई कमरा हो सकता है, या फिर आपका स्टडी एरिया हो सकता है। इस वीडियो के साथ मेरी और मेरी टीम की ये कोशिश थी कि जो चीज हमेशा आपके साथ है उसको आप और अच्छे से समझ पाओ और उसके साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर पाओ। अब मैं आपको अपने एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट आई एम सक्सेस के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप आई एम सक्सेस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपको मेरी एक 3 आवर्स की लाइफ मास्टरी वर्कशॉप मिलती है। अगर 10 मिनट की वीडियो आपकी लाइफ में इंपैक्ट डाल सकती है तो 3 घंटे की ट्रेनिंग आपकी लाइफ को बदल सकती है। इसके अलावा हर महीने आपको एक लाइव सेशन मिलता है और आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनते हो जहां पे सब ग्रोथ माइंडेड है, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, और भी बहुत कुछ इस प्रोग्राम के अंदर आपको मिलता है। ये प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत करीब और इसके थ्रू हर रोज मैं और मेरी टीम लोगों की लाइफ बदल रहे हैं। अगर अभी तक आप इसका पार्ट नहीं बने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसपे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।